हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। ओके, सो लेट्स लुक अबाउट टुडेज लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी स्टूडेंट्स, विच सीजन इज योर फेवरेट? स्प्रिंग, विंटर, समर, मानसून और ऑटम? मेरी तो विंटर फेवरेट है। ओ यस, वी आर हैविंग द सेम विंटर सीजन राइट? अभी कौन सी सीजन चल रही है? विंटर की। सो हम विंटर के सीजन में क्या करते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट विंटर सीजन इज वेरी गुड। वी आर वियरिंग अ वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंकिंग अ हॉट कॉफी और टी, राइट? हम विंटर की सीजन बहुत कूल होती है, ठंडी होती है उसमें, और हम गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर गर्म चाय पीते हैं, गर्म खाना खाते हैं, राइट? The lesson we are going to learn today is related to our season winter. Okay? आज जो हम lesson पढ़ने वाले हैं वो हमारे winter season के साथ related है. So let's learn. Subject English, chapter number 10, winter's blessing. यानी blessing का meaning पता है आपको? ब्लेसिंग का मीनिंग है आशीर्वाद, वरदान या दुआ। तो आज हम देखेंगे विंटर का आशीर्वाद, वरदान या दुआ। ओके, दिस इज अवर पोयम विंटर्स ब्लेसिंग, चैप्टर नंबर 10। ओके, आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? वहाँ पे स्नो फ्लैक्स हो रहा है, स्नो गिर रहा है, बर्ड्स है, एक लिटिल गर्ल है, फिर स्नो का बना हुआ पुतला है, राइट? सो नाउ वी आर स्टडी द स्टैंजा वन बाय वन। ओके, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, प्रिटी लिटिल फ्लेक्स फॉलिंग टू द ग्राउंड। Here is one, there is one, everywhere there are found. बहुत pretty और little बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिर रहे हैं, यहाँ एक वहाँ एक हर जगह पे पाए जा रहे हैं, right? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े सब गिर रहे हैं ground पे, और वहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे वो गिर रहे हैं। Now, second stanza of the poem. See them fall so gently through the frosty air. Every little snowflake has its beauties rare. धीरे धीरे ठंडी हवा के माध्यम से हर छोटे बर्फ के टुकड़े उन्हें गिरते हुए देखते हैं। हर लिटिल स्नोफ्लेक्स की सुंदरता दुर्लभ है। धीरे धीरे सारे बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं, और फ्रॉस्टी एयर यानी ठंडी हवा में, और एवरी लिटिल स्नोफ्लेक्स हैज इट्स ब्यूटीज रेयर। सभी छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े की सुंदरता दुर्लभ है। नाउ द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम, सून द ग्राउंड इज कवर्ड with a pretty snow. Then we see the snowbirds flying to and fro. जल्द ही मैदान सुंदर बर्फ के साथ कवर किया गया है, फिर हम स्नोबर्ड को फ्लाई करते देखते हैं टू फ्रो यानी इधर से उधर। पूरा मैदान जो है वो बर्फ के साथ ढक गया है, और फिर क्या आता है? स्नोबर्ड यानी बर्फीले पक्षी वहाँ पे आते हैं और फ्लाइंग करते हैं इधर से उधर। नाउ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, हैप्पी लिटिल क्रिएचर्स डू नॉट रिपल सो, येट द मास्टर फीड्स देम इवन इन द स्नो। छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो आ जाते हैं, उसको काटना या बोना नहीं है। ये तो मास्टर फील्स थे हम यानी मास्टर जी उसको खिलाते हैं, इवन इन द स्नो, बर्फ में भी उसे मास्टर जी क्या करते हैं? फील्स यानी
खिलाते हैं। ओके, सो अवर पोयम इज डन। आप लोग को मजा आया पोयम में? यू एंजॉय इन द पोयम? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पोयम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस रीड एंड एंजॉय दिस चैप्टर। रीड अलाउड दिस पोयम एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दैट यू कैन वंस यू हैव लर्न दिस पोयम। राइट अबाउट इट इन योर सिंपल वन वर्ड्स इन अ स्मॉल पैराग्राफ फॉर्मेट। क्या करना है? इसे लाउडली रिमेंबर करना है, गाना है, और फिर विंटर ब्लेसिंग्स, हमारे पोयम का नाम क्या है, विंटर ब्लेसिंग्स, उसके बारे में अपने आप से खुद से कुछ छोटे सा पैराग्राफ लिखना है। ओके, यानी कि विंटर में हम क्या करते हैं, विंटर की सीजन हमें क्यों पसंद है, एक्सेट्रा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, व्हाट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में क्या गिर रहा है? आंसर, प्रिटी लिटल स्नोफ्लेक्स इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। प्रिटी लिटल स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ के टुकड़े ग्राउंड पे खेल रहे हैं। बी, हु इज फ्रॉस्टी? आंसर क्या है? एरिस द फ्रॉस्टी। नाउ सी, हाउ आर द बर्ड्स फ्लाइंग? बर्ड्स कैसे उड़ रहे हैं? आंसर, बर्ड्स आर फ्लाइंग टू एंड फ्रो, इधर से उधर बर्ड्स लोग उड़ रहे हैं। नाउ डी, वो फीड्स द बर्ड्स? बर्ड्स को खाना कौन दे रहा है? आंसर, द मास्टर फीड्स द बर्ड्स। ई, हाउ इज द स्नो फॉलिंग? स्नो कैसे फ्लो हो रहा है, यानी फॉल हो रहा है, यानी गिर रहा है? आंसर, द स्नो फॉलिंग इज जेंटली। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू कैपिटल टी और फॉल्स कैपिटल एफ। ए, स्नोफ्लेक्स आर अगली, यानी स्नोफ्लेक्स अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट? तो क्या आएगा? फॉल्स, स्नोफ्लेक्स आर प्रिटी। बी, द एयर इज कोल्ड, राइट? एयर कैसी हो गई है? ठंडी हो गई है। सी, द ग्राउंड इज कवर्ड बाय स्टोन्स। फॉल्स, द ग्राउंड इज कवर्ड बाय स्नो। डी, द स्नो बर्ड्स आर फ्लाइंग, राइट? स्नो बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं। ई, स्नोफ्लेक्स आर फाउंड एवरीवेयर, यानी स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ हर जगह पे दिख रहा है, तो क्या आएगा? ट्रू। ओके, हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर द रूल्स। यहाँ पे क्या दिया गया है? हमारे बुक में एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसे हमें पढ़ना है और आगे की जो ब्लैंक्सेस है उसे फिल करना है। सो पहले ये टेबल्स का रूल्स जान लेते हैं। सो एवरीवन लुक केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा बुक का ग्रामर है। ओके, उसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आएगा? आई हैव। सेकेंड पर्सन में यू हैव, एंड थर्ड पर्सन में ही हैज, सी हैज, इट हैज, यानी आई, यू, ही, सी, इट, उसके साथ हम ही हैज यूज़ करेंगे या हैव यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे दिया गया है। अभी प्लूरल में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में के साथ वी हैव, प्लूरल में। सेकेंड पर्सन के साथ यू हैव, एंड थर्ड पर्सन के साथ दे हैव एंड दे हैव, यानी हमें ही प्लूरल होगा तो ही को यानी दे को दे के साथ हैव ही लिखना पड़ेगा, और सी के साथ भी, इट के साथ भी, अगर वो प्लूरल में होगा तो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल सी ब्लैंक लॉन्ग हेयर, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज, राइट। तो सी हैज लॉन्ग हेयर। अवर हाउस ब्लैंक लार्ज विंडो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अवर हाउस के साथ क्या आएगा, हैज लार्ज विंडोज। आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव, सो आई हैव अ यंगर ब्रदर। फिर वी हैव, वी ब्लैंक आर्ट लेसन ऑन मंडे, वी के साथ क्या आएगा, प्लूरल का देख लो टेबल में, वी हैव, तो वी के साथ आएगा हैव। वी हैव आर्ट लेसन ऑन मंडेज। हैव अ कुकी इफ यू लाइक, यहाँ पे क्या कहा है, तुम्हारे पास कुकी है इफ यू लाइक, मतलब आपको पसंद है तो यहाँ पे भी आएगा हैव। हैव अ कुकी इफ यू लाइक। डैड हैज अ कोल्ड, यानी डैड को सर्दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैड यानी उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, तो यहाँ पे डैड के साथ हैज है, डैड हैज अ कोल्ड। ओके, नाउ हम हमारे ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज, तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी सारे ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं, अभी हमें सिर्फ समझना है और हमारे बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ए, वी ब्लैंक अ न्यू साइंस टीचर, यानी हमारे लिए न्यू साइंस के टीचर आए, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव, वी हैव अ न्यू साइंस टीचर। बी, ही ब्लैंक अ बैड टेम्पर, यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, हैज, तो ही हैज अ बैड टेम्पर। सी, आई ऑफ्टन हैव अ फ्रूट फॉर डेजर्ट, आई के साथ क्या आएगा, हैव, सो इधर पे क्या आएगा, आई ऑफ्टन हैव अ फ्रूट फॉर डेजर्ट। डी, यू ब्लैंक अ गुड चांस ऑफ विनिंग द प्राइज, तो उसके साथ आएगा हैव, यू हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग द प्राइज। ई, सी ऑलवेज ब्लैंक ऑटमील फॉर ब्रेकफास्ट, उसे हमेशा ऑटमील ही चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, तो सी के साथ क्या आता है, यस, हैज, तो सी ऑलवेज हैज ऑटमील फॉर ब्रेकफास्ट। एफ, द ब्रूम ब्लैंक अ ब्लू हैंडल, उसके साथ आएगा हैव, द ब्रूम हैव अ ब्लू हैंडल। दूसरी भी ब्लैंक्स दी गई है, उसे हमें फिल करना है। ओके, अच्छे से समझना, आपको सारे बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो ए, द गर्ल्स ब्लैंक गोल्डन हेयर, गर्ल्स के कैसे हेयर हैं, गोल्डन हेयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव, द गर्ल्स हैव गोल्डन हेयर। बी, एन इंसेक्ट ब्लैंक सिक्स लेग्स, इंसेक्ट यहाँ पे आएगा हैस, एन इंसेक्ट हैज सिक्स लेग्स। सी डैड ब्लैंक हिज फोन विथ हिम, तो उसके साथ आएगा हैज, डैड हैज हिज फोन विथ हिम। डी, द चिल्ड्रन ब्लैंक अ न्यू स्विंग सेट, चिल्ड्रन के साथ आएगा हैव, चिल्ड्रन यानी उसके साथ आएगा दे, सो यहाँ पे प्लूरल में दे के साथ हैव दिया गया है, सो क्या आएगा, हैव, द चिल्ड्रन हैव अ न्यू स्विंग सेट। ई, मैनी पुअर पीपल ब्लैंक नथिंग टू ईट, यानी बहुत गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके साथ आएगा हैव, मैनी पुअर पीपल हैव नथिंग टू ईट। एफ, दिल्ली ब्लैंक अ बिग एयरपोर्ट, तो उसमें आएगा दिल्ली हैज अ बिग एयरपोर्ट। ओके, सो आवर लेसन इज डन, रिमेम्बर आपको आपके बुक में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।